रहमान रहीम तमाम व्यूअर्स पैगाम इसल एडमिन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज एस एस टी साइंस के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और आज मॉर्निंग वाला पेपर भी हो चुका है, इवनिंग वाला पेपर भी हो चुका है। और पिछली वीडियो में हमने मॉर्निंग वाले पेपर्स का बायोलॉजी सेक्शन सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के सेक्शन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो अदर सेक्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो भी पेपर्स की वीडियोज़ हैं सॉल्व की आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रहे कि जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये पेपर हमारा टाइप है, सी टाइप पेपर है और लेकिन हम क्वेश्चंस को फोकस करते हैं बिकॉज ऑल टाइप्स में सिर्फ क्वेश्चंस की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, बाकी पेपर सेम रहता है। तो दैट्स व्हाई वी टारगेट ओनली द क्वेश्चंस। सो चले हम कंप्यूटर साइंस के सेक्शन को भी स्टार्ट करते हैं। में पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर साइंस का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICANN। तो इसका फुल फॉर्म था द इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रिक्टेस्ट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल प्रोवाइडेड बाय SQL सर्वर इज, तो इसको कहते हैं Iceable। ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम इज द वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन, इट वाज डेवलप्ड इन 2010। ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल फॉर कॉमन सेंस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसको कहते हैं हॉरिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू डिफाइन वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअलाइजेशन इनेबल्स एब्स्ट्रैक्टिंग कंप्यूट नेटवर्क एंड स्टोरेज सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम द अंडरलाइंग फिजिकल हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD, तो ऑप्शन नंबर सही बनेगा यहाँ पे डी, कैट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following commands displays configurable parameters and statics for of all interfaces on root? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा, शो इंटरफेसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलेंट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल, तो टेलनेट इज अ टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इन अ स्विच्ड लैन, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी सही बनेगा, टू प्रिवेंट स्विचिंग लूप्स इन नेटवर्क विद रिडंडेंट स्विच्ड पाथ्स। ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेट्रिक इज कॉमनली यूज्ड टू इवैल्यूएट क्लासिफिकेशन मॉडल्स एंड रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ करेंटली पॉजिटिव इंस्टेंसेस टू ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही बनेगा वो बनेगा प्रिसिशन, ऑप्शन नंबर बी। जी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सेक्शन भी सॉल्व हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में वी ट्राई हमारे पेपर का जो रिमेनिंग पोर्शन है हम उसको सॉल्व करें और उसकी वीडियो अपलोड करें। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।